माता में हेलमेट लगाए हुए ताली, ताली, एक बार हमारे इस अजूबे पैटर्न के लिए ताली, 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 आइए आइए जिस अनोखे अंदाज में वो गए थे उसी अनोखे अंदाज में आइए वापस आइए अमन तो अमन खान खान पैसा खुलिए आपका के रूप में आज ही प्रस्तुत सामने अन्नू का सामना करेंगे सामने अन्नू और यहाँ जो अपील करते हुए और यहाँ पर बहुत करारा शॉट टीम का स्कोर बढ़ाते हुए चार रन बढ़ता हुआ स्कोर चौके पे चौके यहाँ टीम का स्कोर उछलता कूदता हुआ 32 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम की स्कोर की बात करें तो 32 रन 2 ओवर का खेल शेष रह गया है जिनमें 18 रन की आवश्यकता है जीत के लिए तो दोनों का पलड़ा भारी है ये एमसीसी को अगर जीतना है तो उनका फील्डिंग लाइनअप मजबूत करना पड़ेगा और यहाँ अंपायर से निवेदन है कि वो मैच में विलंब ना करे जल्द से जल्द मैच स्टार्ट करे और मैं कमिटी का नाम बता दूं जिन्होंने इस मैच में काफी भूमिका निभाई है तो वो इस प्रकार है हीरा खान साहेब रजा मौलाना वाहिद जो कि अभी अंपायर के रूप में गाड़ी रहते हैं हमारे ग्राउंड पे राज 11 का टीम कारण 32 रन थोड़ा और रहता और थोड़ा फिर भी आउट लेकिन हो गया सब धक्का मार मार के मेरी आउट तो शुरू किया जाए बक्चोदी फाइनल का सामना करेंगे आजीत मिस्टर आजीत और यहाँ आजीत तैयार हेलो अंपायर का डिसीजन है अंपायर का मान सम्मान होगा सर्वमान होगा जिन्होंने अंपायर से अनुरोध है वो अमन खान जिनसे टीम को काफी उम्मीद थी सब खराब करने चले आया न्यू बैट्समैन दोनों फिर से लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन रौनक सामने फैसल शेष दो ओवर का खेल बाकी है क्या मारा है पहली बॉल पे विकेट भी गवाया है आजिद के रूप में अगले रौनक को एक रन करना पड़ेगा साथ में ओवर तक जीत के लिए 17 रन की आवश्यकता है और मैं रनों की बात करूं तो बढ़ता हुआ स्कोर 37 रन छठवीं ओवर प्रगति पे है जोर कर ले बॉल होते हुए विकेट का काफी अच्छी लाइन जोर कर ले बैटिंग के जो की टीम का
अल्लाह हम टिकते हैं ना तीन ओवर में। बाबू पहले नहीं सरफराज का देखा धोनी का नाना उतर लो सरफराज जो चिकन बिरयानी की जो कि देश के कप्तान हैं महेंद्र सिंह धोनी के रूप में मैच जितवाने के लिए वहां पहुंचे हैं और जीएमसीसी के खिलाड़ी काफी चुस्त दुरुस्त जो मैं हार नहीं मानने वाले और मैच को अपने पुट्ठी में करते हुए मैच लास्ट ओवर का खेल शेष रह गया है और रनों की बात करूं तो जहां तक बोला जाए 16 रन की आवश्यकता है जो बॉलर ने दिलशाद सामने सरफराज जो कि मैच को जिताने के लिए काफी कोशिश करेंगे दिलशाद का जीएमसीसी ने अपनी मुट्ठी में करते हुए मैच को जो लीग मैच में पहले से जीते हुए हैं टीम कठारा मिडिल स्कूल और अपना क्रिकेट क्लब अब देखा जाए कुर्सा काटा ये खड़ा हो और टीम एकदम सही बोल रहे चेन्नई की लालच में चलाई है नए बैट्समैन के रूप में मोइन खान सामने सरफराज ये काफी जो कि धोनी के रूप में मैच को जिताने पहुंचे हैं चार रन बैट से निकलता हुआ इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर सारा और जीएमसीसी ने जीत दर्ज किया वहाँ लग के यहाँ अगले सरफराज लगे पूरी टीम 37 पे 37 पे सिमट गए अरे 40 रन ने बना दिए।